हेलो दोस्तों, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे आस्क डॉक्टर मक्कर चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप देख सके हमारी लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मित्रों, हमारा आज का टॉपिक है टीनिया या रिंगवॉर्म। टीनिया, रिंगवॉर्म या दाद एक तरह का चमड़ी रोग है। ये एक तरह का इन्फेक्शन है जो की फंगल इन्फेक्शन है, जो की हमारे शरीर में जब फंगी या उल्ली हो जाए उससे उत्पन्न होता है। इसमें जो स्किन इन्फेक्शन होता है वो देखने में एक रिंग की तरह का होता है। रिंग की तरह वो गोल होता है, साइड उसके गोल होंगे और सेंटर उसका डिप्रेस होगा, सेंटर नॉर्मल होगा, तो इसीलिए इसे कहते हैं रिंग वॉर्म। और रिंग वॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि देखने जैसे ये लगता है कि कोई कीड़ा आपकी स्किन के अंदर घूम रहा हो, मगर यहाँ पर कोई भी कीड़ा नहीं होता आपकी स्किन के अंदर, वो आपको सिर्फ महसूस होता है। और खारिश में भी ऐसा कई लोगों को महसूस होता है जैसे अंदर कीड़ा चल रहा हो, इसलिए लोगों ने इसका नाम रिंग वॉर्म रख दिया। रिंग वॉर्म को जब हम टीनिया भी कहते हैं, हम इसको दाद भी कहते हैं। अब रिंग वॉर्म, टीनिया या दाद जैसे जैसे शरीर के पार्ट्स में होता है वैसे वैसे हम इसका नाम रखते हैं। जैसे कि अगर ये हेड में हो तो इसे हम कहते हैं टीनिया कैपिटिस, अगर ये बॉडी में हो तो इसे हम कहते हैं टीनिया कॉर्पोरिस, अगर ये पाँव में हो तो हम इसे कहते हैं टीनिया पैडिस, अगर ये आपके बटक रीजन में हो या आपके प्राइवेट पार्ट में हो तो इसे हम कहते हैं टीनिया क्रोरिस। इन सभी टीनिया में एक महत्वपूर्ण बात है, ये टीनिया क्या है, ये उल्ली है। ये एक घर के सभी व्यक्तियों को नहीं होती, ये सिर्फ उस व्यक्ति को होती है जिस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधी शक्ति अपने घर में बाकियों से कम हो, मगर जब एक बार ये घर में आ जाती है तो ये होली होली सभी को फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अभी टीनिया होता कैसे है? टीनिया देखो, टीनिया होता है अगर आप रहन सहन में कुछ कमियां करो, जैसे कि आप मान लो आप खेल रहे हो किसी मैदान में, आप गीले आपके कपड़े पसीने से भीग गए हैं, आप भीगे हुए कपड़ों के साथ ही आप एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो घंटा बैठे रहे, तो टीनिया क्या है, ये उल्टी है। उल्टी को चाहिए क्या, इसको नमी चाहिए, वो चाहे नमी आपको पसीने से मिले, वो चाहे आप बारिश में गीले हो गए वैसे मिले, तो दोनों केसेस में क्या है कि टीनिया बढ़ेगा। इसमें क्या है कि हमने बॉडी को सूखा रखना है, वो चाहे हम टिश्यू पेपर यूज़ करें चाहे टॉवल यूज़ करें, उससे हमें शरीर को सूखा रखना पड़ेगा। अगर शरीर सूखा रहेगा तो टीनिया बढ़ नहीं पाएगा। दूसरा क्या है, जो पार्ट बॉडी के ज़्यादा हनेरे में रहते हैं या अंधेरे में रहते हैं उनमें भी ये ज़्यादा फैलती है। अगर आप सन बात लो तो टीनिया कम होता है। इंडिया में हमारे कल्चर है नहीं कि हम सन बात लें, इसलिए ये टीनिया ज़्यादा पाया जाता है। खासकर ये जो लोग ठंडे इलाके से आते हैं जैसे हिमाचल जम्मू से आते हैं, इन लोगों में टीनिया इत्यादि होता है, क्योंकि ये जब वहाँ से नीचे वाले इलाके में आते हैं जैसे चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, तो इनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है। इन पसीनों की वजह से ये पाया गया कि जो पहाड़ी लोग हैं उनमें भी टीनिया बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अगर मैं कहूँ मेरे 100 में से 60 पेशेंट वो यहीं से आते हैं, वो पहाड़ी इलाके से आते हैं, क्योंकि उनको आदत नहीं होती इन इलाकों की। अब टीनिया में आप टीनिया से बचाव कैसे कर सकते हो? टीनिया से बचाव के लिए सबसे पहले तो आपको तो जब भी आप घर में आओ आपको नहाना चाहिए। जब आप नहाते हो, नहाने के बाद आपने टावल से पूरा शरीर पोंछना है अच्छी तरीके से, कहीं भी पानी छोड़ना नहीं। उसके बाद आपने अंडरवेयर वगैरह पहनने हैं। अगर आप कुछ भी पानी छोड़ देते हो बॉडी से पर और उस पर कपड़े पहन लेते हो तो टीनिया बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा, अगर आप खेलने जाते हो तो आप दो पेयर लेकर जाओ कपड़ों के, एक जो आप खेलने के लिए पहनते हो, एक जो वापस आने आते वक्त पहनने हैं, वो आप कपड़े जरूर बदलो। तीसरा, आप जितना हो सके टावल अपना यूज़ करो, कभी भी टावल किसी के साथ शेयर मत करो। चौथा, अगर आपको किसी व्यक्ति पर शक है इसे फंगल इन्फेक्शन, आप उससे हैंडशेक मत करो, अगर हैंडशेक करते हो तो सैनिटाइजर का यूज़ करो। उसके बाद आपने जितना हो सके कपड़ों को, सूखे कपड़ों को पहनना है। ये गलती नहीं करनी, बहुत लोग गलती करते हैं, वो अगर गीला कपड़ा हो उसे प्रेस कर पहन कर निकल जाते हैं, उन कपड़ों में नमी रह जाती है, वो नमी ज़्यादा फेवर करती है टीनिया होने में। ये वाली गलतियाँ आपने नहीं करनी।
अब पार्ट आता है होम्योपैथी का। होम्योपैथी में टीनिया का क्या स्कोप है? होम्योपैथी में टीनिया का बहुत बढ़िया स्कोप है। अब टीनिया होती क्यों है? एक घर में अगर चार व्यक्ति रहते हैं तो एक या दो को टीनिया होगा। वो एक या दो को इसलिए हुआ क्योंकि वो व्यक्तियों की जो रोग प्रतिरोधी शक्ति कम थी, होम्योपैथी आपकी रोग प्रतिरोधी शक्ति को बेटर करती है। उसमें क्या है कि मेडिसिन आपके हिसाब से चुनी जाती हैं। हम कुछ दवाइयों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हम मेडिसिन का नाम ले रहे हैं वो सल्फर है। इसे किंग ऑफ सोरा भी कहते हैं। जितनी भी जो स्किन की प्रॉब्लम है उसके लिए जो पहली दवा होती है वो सल्फर होती है। सल्फर उन व्यक्तियों के लिए है जिन व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती हो। ये लोग खारिज कर 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 इतनी खारिज कर देंगे टीनिया में कि ये रोज़ रोज़ खून निकाल लेंगे। अगर बच्चों में टीनिया है तो उनमें अगर वो बच्चों के हाथ भी बांध दो फिर भी वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे ये खारिज करने का। तो इन व्यक्तियों में खारिज बहुत ज़्यादा होती है। इन व्यक्तियों को आराम नहा कर थोड़ा सा मिलता है, मगर इचिंग का लेवल इतना होता है कि ये दो चार मिनट में फिर बढ़ जाएगा और ये फिर खारिज शुरू हो जाएगी। इसके बाद जो दूसरी दवा आती है वो है सोराइनम। सोराइनम उन व्यक्तियों के लिए मेन है जिनको टीनिया कैपिटिस है या सिर का टीनिया है। टीनिया और रिंगवर्म जिन व्यक्तियों में सिर का हो और उन्हें ठंड बहुत ज़्यादा लगती हो उनमें हम सोराइनम दवा यूज़ करते हैं। इसके बाद जो अगली दवा है वो है टेलूरियम। टेलूरियम उन व्यक्तियों की दवा है जिनमें बहुत बड़े बड़े पैचेस हों बॉडी में, ये पूरी बॉडी तक कवर कर लेते हैं। तो उन व्यक्तियों में जो हम दवा यूज़ करते हैं टेलूरियम यूज़ करते हैं। टेलूरियम हम उस केस में भी यूज़ कर सकते हैं जिस केस में बार-बार इच हों। जो लोग नाई के पास जाते हैं, जो सार्वजनिक नाई होते हैं उनसे अपना शेव करा कर आते हैं, तो उनके वहाँ पर एक फंगस का इन्फेक्शन होता है जिसे हम बार-बार इच कहते हैं, जो कि अपने दाढ़ी के बालों के बीच में लगता है। तो उन केसेस में भी आप टेलूरियम यूज़ कर सकते हैं। टेलूरियम के बाद आई सीपीआर। सीपीआर जो होती है ये फोल्ड ऑफ स्किन में इचिंग हो तो उसकी और इरप्शन हो तो उसकी मेन दवा है। इसमें इचिंग इरप्शन जो स्प्रिंग वेदर है, जो अब का वेदर चल रहा है मई जून जुलाई का, ये उनमें मेन दवा है। अभी इसके बाद जो अगली दवा हम बात करेंगे वो आर्सेनिक करेंगे। आर्सेनिक के व्यक्ति को जो रात में खारिश शुरू हो जाएगी, रात को ये खारिश मिडनाइट के आफ्टर ज़्यादा शुरू हो जाएगी, जिसके कारण इसको बेचैनी और घबराहट होगी, ये इधर उधर भागेगा, तो उन पेशेंट में आप आर्सेनिक यूज़ कर सकते। इसके बाद जो अगली दवा है जो हम लास्ट दवा डिस्कस कर रहे हैं वो है नेट्रमोर। नेट्रमोर उन व्यक्तियों की दवा है जिनकी की टीनिया हेयर की मार्जिन में हो। ये पेशेंट नमक बहुत ज़्यादा खाते हैं और इन व्यक्तियों को इमोशन बहुत ज़्यादा होते हैं। ये बहुत जल्दी रो पड़ते हैं, मगर रोने के बाद अगर आप इनको सांत्वना दो या चुप कराने की कोशिश करो वो रोना और बढ़ जाता है। सेंटिमेंटल होते हैं, अपने आप को शेयर नहीं करते लोगों के साथ। तो ये कुछ दवाइयाँ हैं जिनके बारे में हमने आज डिस्कशन किया। ये दवाइयाँ आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको टीनिया है। अगर इनमें से कोई भी आपको दवा समझ नहीं आई तो आप जो जनरल दवा होती है अपना टीनिया की वो आती है थूजा। आप थूजा यूज़ करो अगर आपको सिम्टम कोई भी समझ नहीं आए इनमें से। मगर मैं आपको ये सलाह दूंगा अगर आपने दवा लेनी ही है आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाओ, उनसे परामर्श करो, फिर इलाज शुरू करो। हमारा आज का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो गया है। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, यहाँ लाइक का बटन लगा है, यहाँ बेल बटन लगा है, आप उसको ज़रूर दबा दो ताकि आने वाले टाइम में कोई भी वीडियो आए वो आपसे मिस ना हो। ओके जी, बाय।